स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, जो कि रुद्राक्ष प्रशा को उसकी फैमिली मेंबर्स की डिटेल रेवती के हवाले करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर वो कहेगा कि रेवती मैम आप प्लान क्या कर रही हैं, लेकिन रेवती कुछ भी बताने से मना कर देती है और इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। वो फाइल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वसुधा और प्रशा एक दूसरे से बात नहीं करते लास्ट 5 ईयर से। तभी वो डिसाइड करती है कि वसुधा को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए उसके प्लान के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रशा रुद्राक्ष से कहती है कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए मैरिज की। तभी रुद्राक्ष कहता है कि मैं खुश नहीं होने वाला, क्योंकि मैं शादी के लिए सिर्फ रूही की खुशी के लिए राज़ी हुआ हूँ, इससे ज़्यादा तुम और कुछ एक्सेप्ट मत करना। यहाँ पर प्रशा कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरीके से ही गुस्से में नजर आओगे तो बच्चों को शक हो जाएगा। तभी वो कहता है कि हाँ मुझे नफरत है एक्टिंग करने से कि सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर बच्चे आते हैं। रूही अपने मम्मी पापा से पूछती है कि क्या आप दोनों झगड़ा कर रहे थे। रुद्राक्ष रिप्लाई करता है कि नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे थे। बच्चे रुद्राक्ष प्रशा को वहाँ से ले जाते हैं और रूही उन्हें याद दिलाती है कि कल इंगेजमेंट है। सारांश कहता है कि मैंने डिज़ाइनर को भी बुला लिया है इंगेजमेंट आउटफिट्स के लिए। रूही कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप दोनों की सच में लड़ाई हुई है। सारांश कहता है कि हाँ सही कह रही हो, लग तो यही रहा है। रुद्राक्ष और प्रशा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं ये प्रूफ करने के चक्कर में कि वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रुद्राक्ष यहाँ पर डिज़ाइनर्स के सारे सजेशंस को रिजेक्ट कर देता है। रूही कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब मुझे समझ आ गया है अच्छे से कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से अलग क्यों रहे थे 5 साल। और वो झूठा मूठा रोना शुरू कर देती है और यहाँ पर रुद्राक्ष और प्रशा उसे पकड़ लेते हैं। रुद्राक्ष कहता है कि बस कर नानीमा, ओवर एक्टिंग कितना करेगी। नहीं, वो रियलाइज़ करती है कि रुद्राक्ष ने उसे पकड़ लिया। वो कहती है तो बस फाइनल जल्द से जल्द करो आप अपना आउटफिट। प्रशा कहती है कि मैं तो वही पहन लूँगी जो रुद्राक्ष मेरे लिए चूज़ करेगा। रुद्राक्ष प्रशा के लिए बहुत ज़्यादा ग्लिटरी आउटफिट चूज़ करता है और वहाँ से चला जाता है। उस आउटफिट को कोई भी पसंद नहीं करता। रूही कहती है प्रशा से कि डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। इधर मार्केट में एक आदमी वसुधा का बैग चुरा रहा होता है रेवती की कहने पर। रेवती तभी उसे पकड़ती है और बैग छीन लेती है और वो वहाँ से भाग जाता है। वसुधा रेवती को थैंक्स कहती है। रेवती कहती है कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है दूसरों की मदद करना। तभी वो ऐड करती है कि आप ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। तभी यहाँ पर वो ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे उसे याद आ गया है कि आप प्रशा की माँ हैं और वो कहती है कि दरअसल मैं प्रशा की फ्रेंड हूँ और अब खुराना मेंशन में रह रही हूँ। और वो रिवील करती है रुद्राक्ष और प्रशा के इंगेजमेंट के बारे में। वसुधा कहती है कि अच्छा मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पर वसुधा सीधे घर पहुँचती है और प्रशा को डांटती है और कहती है कि तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया कि तुम दोबारा शादी कर रही हो। प्रशा कहती है कि अम्मा ये सब हम सिर्फ रूही की खुशी के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज मेरे और रुद्राक्ष के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। वसुधा पूछती है कि क्यों करना क्या हुआ। प्रशा उसे इन्फॉर्म करती है कि राजीव का मर्डर युवराज ने किया था। ये बात तो अप्पा को शुरू से ही पता है, लेकिन रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि मैंने उसे सच क्यों नहीं बताया। वसुधा कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये सच रुद्र को तब क्यों नहीं बताया था, लेकिन रुद्राक्ष ये गलत कर रहा है। प्रशा शारदा वहाँ आती है और उनसे कहती है कि आप जब तक शादी नहीं हो जाती यहीं रहिए। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर सारांश और रूही प्लान करते हैं मून और बैकग्राउंड थीम एंगेजमेंट पार्टी के लिए। रेवती को भी पता चल जाता है कि रुद्राक्ष और प्रशा मून पर बैठने वाले हैं। तभी वो कुछ ऐसा ईवल प्लान करती है जिससे वो दोनों हॉट हो जाए। रुद्राक्ष यहाँ पर आउटफिट में रेडी हो जाता है जो उसने अपने आप के लिए सेलेक्ट किया होता है और रूही जानबूझकर उसकी ड्रेस पर पानी गिरा देती है और कहती है कि आई एम सॉरी। रुद्र कहता है मेरे पास कुछ और आउटफिट नहीं है पहनने के लिए। तभी रूही कहती है डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ और रूम छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर रेवती स्टाफ से कहती है कि तुम ये जो मून के बोल्ट्स हैं ये लूज़ कर देना और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ये एक्सीडेंट है, सोची समझी साजिश नहीं। और वो खूब सारे पैसे देती है सर्वेंट को इस काम के लिए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।